मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को। सुभान अल्लाह। क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था, तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक धर्माचार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझें। किसी भी हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों? उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको हमेशा सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर आया हूं। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है, एक हिंदू पंडित जो इस्लाम के खिलाफ पहले जहर उगलता था, आज उसको देखिए इस्लाम के खिलाफ क्या बोल रहा है। आइए इस वीडियो में सुनेंगे एक हिंदू पंडित की जुबानी, फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अजरी साहब की जुबानी सुनेंगे हमारे नबी किस तरह इस अमन और शांति का पैगाम दिया करते थे। आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजरी साहब की जुबानी, उससे पहले आइए एक हिंदू पंडित की जुबानी सुनते हैं। यानी आप पहले एकदम ऑपोजिट थे, वो जो किताब पहले जो किताब लिखे टोटली एंटी इस्लामिक था, बाद में अभी जो है आप एकदम पॉजिटिव अंदाज में, ब्यूटीफुल अंदाज में, बहुत सारे मौलवी भी आपको मैच नहीं कर सकते, पूरे मौलवी करके नहीं बोलता, बहुत सारे यानी उलमा में भी हर आदमी के पास जो है वो जो बोलने का तरीका जो है हर आदमी के पास नहीं हो सकता है। तो उस अंदाज में आप जो बोल रहे हैं बहुत डीप स्टडी करते हुए आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो व्हाट इज द ट्रांजिशन फेज, कैसा हुआ है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। एक अखबार निकलता है उत्तरी भारत में, दैनिक जागरण, बहुत मशहूर, सबसे ज्यादा पाठक हैं उसके। उसमें एक लेख छपा था, दंगे क्यों होते हैं। बल्लाज मधोक, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानते होंगे बल्लाज मधोक को, उन्होंने एक लेख लिखा था और कुरान मजीद की कुछ आयतें दी थी। तो वो आयतें देखने के लिए कि क्या वास्तव में सही है कि नहीं, मैं इलाहाबाद में एक दुकान में गया और मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी और मौलाना अब्दुल पारिक साहब की हिंदी का अनुवाद ले आया और उसमें हमने देखा तो वो कुरान मजीद की वो आयत वैसे ही मौजूद थी। तो मुझे लगा कि ये बात सही है और मैंने किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। बाला साहब ठाकरे को बहुत पसंद आई, उन्होंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कराया द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। बाद में एक सज्जन ने, अब मैं वहाँ आ रहा हूँ कि मेरा सोच कैसे बदला। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की जरूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा, तो आपको अच्छा खासा आपको वहाँ से रॉयल्टी मिलेगी और आपके सारे काम चल जाएंगे, लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को। सुभान अल्लाह। क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था, तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक धर्माचार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि
आयत का मतलब कैसे समझें? किसी भी हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई, ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और इसका हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है, तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया अपना अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते ही उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा, और उसके जिम्मेदार वो नहीं अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की जरूरत है, तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। वो अंग्रेजी हिंदी में है, वो छप चुकी है जामिया नगर में जो जमात इस्लामी के मरकज से छपी है अंग्रेजी में, इस्लाम एन आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से अंग्रेजी में भी छपेगी। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा, और मैंने दलील के साथ देखा है ये इंसानियत के दुश्मन है, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये दुश्मन है। और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक लगाई गई है। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं, काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीबी को छोड़कर के, और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी माँ बहन बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई हो सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीचे कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी जब सुभान अल्लाह मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीचे कर ले और मर्यादा में रहे, ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम, और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए, मर्द के कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया, तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। क्रोध गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर गुस्सा अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो, और जब माफ कर दो गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को, सूरा 7 आयत नंबर 199 में हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया, सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है
जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फते मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपके खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फते मक्का के दिन, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे, तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता, सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहाँ चला छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, आपको रोकना मेरे दिल में क्या है, ख्वाहिश तो नहीं है, मगर मैं पैनल डिस्कशन कंडक्ट कर रहा हूँ अभी, इसलिए आपसे एक सवाल भी मैं करूंगा। मैं समझ रहा हूँ आपके जो रिसर्च बहुत डीप है, बहुत डीप है, फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपको ये रिसर्च होने के बाद क्या आपको ये लग रहा है कि मुसलमान जो आजकल के बहुत सारे मुसलमानों जो है, वो खुद जितना आपने रिसर्च किए अक्सर लोग रिसर्च नहीं करें, क्या ये एक वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने जो जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। बस देखने की जरूरत है। जो ईश्वरी किताबें होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, उनको समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए। केवल शरीर नहाया धोया ना हो, केवल शरीर की को पाक करने की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे, तो उसका राज समझ में आएगा, आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा। और उसी नजरिए से आज का मुसलमान कुरान मजीद को नहीं देख रहा, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही। थैंक यू, थैंक यू। अजीजाने गिरामी वखार, रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा अरसा जो हमारे दरमियान रहा है पूरी कायनात में, मैं तेजी से आज सुना करके आपके सामने से बारगाह मुस्तफ़ा में इल्तिजा भी करूँगा। वो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन 14 सदियाँ पहले आज से 1400 से 42 चल रहा है, इसको और 53 मिला लें, इसको इसके साथ और 53 मिला लें, यानी तकरीबन 1495 के साल के करीब हो गया। इससे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज ही का दिन था जो फर्शे गीती पर तशरीफ लाए, वो आमिना का दुर्रे यतीम, वो अब्दुल्लाह का नूरे नज़र, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो दुर्रे यतीम जब घर तशरीफ लाया तो ऐसा घर था कि बाप पहले से नहीं है, माँ अकेली हैं, मुआवजा देने की ताकत नहीं रखती, दाया के हाथ में दे दिया हलीमा सादिया को, ये कह कर के 2 साल दूध पिलाएगी, उजरत की तमन्ना मत रखना, मेरे घर में माल की बड़ी शिद्दत की कमी है, इस बच्चे का बाप नहीं ये यतीम बच्चा है। हलीमा सादिया ले गई, लेकिन बरकात पे बरकात उन्होंने देखा है, रसूल पाक को अपने गोद में खिलाया। हलीमा सादिया कहती हैं, ये आम बच्चा नहीं था, इनके आते ही बनू साद की सारी बकरियों के थन दूध से भर चुके थे, और सारे बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते थे। हत्ता के हलीमा सादिया की बेटी शैमा कहती हैं, शैमा क्या कहती हैं कि हमारे कबीले में, हमारे मोहल्ले में रिवाज था, रात के वक्त या शाम के वक्त सारी लड़कियां जो उनके उम्र की थी, शैमा के उम्र की थी, वो कहती हैं अपने अपने छोटे भाइयों को जिसका भाई होता लेकर के आती थी, कंपटीशन चलता था,
बहन अपने भाई को दिखाकर कहती किसका भाई ज्यादा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन अपने छोटे भाई की गोद में लाकर उसके नाक नक्शे बयान करती, अरे मेरे भाई की तो पेशानी बड़ी चौड़ी है, ये खूबसूरती की अलामत है। कोई कहती मेरे भाई की तो आंखें बड़ी झील जैसी हैं और ये बड़ा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन गोद में लिए हुए बच्चे को अपने भाई पर फख्र करती। और हज़रत शैमा कहती हैं जब इस मजमे में मैं मेरे भाई मोहम्मद को लेकर के आती, अल्लाह अल्लाह, वो कहती हैं सारी मेरी सहेलियां उठ खड़ी होती, कहती शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं, यह हमारा आपस का मुकाबला है, यह हमारा आपस का कंपटीशन है, तू कभी मोहम्मद को हमारे दरमियान ना ला, इसलिए कि इसके मुकाबले में चौदहवीं का चांद भी शर्मा जाता है। यह बनू साद की खवातीन का कहना है। हजरत शैमा कहती हैं उस मुकाबले में मैं कभी रसूल पाक को ले जाती तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, कहती कि शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं। वह अहसनु मिन कलम थरखत आईनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना नहीं। वो दो साल की उम्र पाक में हलीमा सादिया दौड़ती हुई वापस मक्का ले आई और हजरत आमिना से कहा मैंने दो साल का अरसा आपसे मांगा था लेकिन छः महीने और बढ़ा करके दे दो, उजरत भी नहीं चाहिए, मुआवजा भी नहीं चाहिए। लेकिन हजरत बीबी आमिना ने अपने पास अपने साहबजादे को रख लिया। दो साल के अरसे में घर में कितने अफराद हैं, कौन है, बाप नहीं है, दादा है अब्दुल मुत्तलिब, वो भी बुढ़ापे को पहुंचे हुए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दादा की सरपरस्ती में है। छः साल की उम्र में अपनी माँ के साथ ननिहाल का सफ़र किया, मदीना का सफ़र किया। उस वक्त जो यसरब था वह हुजूर का ननिहाल भी है, नानी का घर है। हजरत आमना के साथ गए छः साल की उम्र में, जब हजरत अब्दुल्ला की एक कनीज उम्मे ऐमन साथ में है, कोई नहीं, तीन लोगों का ये काफिला पैदल मक्का से मदीना गया है, मदीना से वापसी हो रही है। मकाम अबवा में बीबी आमना बीमार हुई, बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा इतनी शिद्दत से बीमार हुई कि वह चल फिर नहीं सकती थी, उसी रास्ते में वो रह गई। और उसके बाद अपने नूरे नज़र को करीब बुलाया और कहा ऐ मोहम्मद मेरी आखिरी सांसें हैं। छः साल की उम्र पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की आंखें बंद की और उनकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवास की। वो छः साल की उम्र में अपनी मुकद्दस माँ का जिसमें मुबारका उठाते हैं, कब्र में दफन भी करते हैं और अपने वालिद की कनीज के साथ वापस मक्का आते हैं। अब कौन था इस मोहम्मद अरबी के साथ, न बाप है न माँ है, वो दुर्रे यतीम पूरी कायनात के यतीमों का आखा बना है, पूरे यतीमों का मावा और मलजा बना है। लेकिन अल्लाह ने उसे दुर्रे यतीम पैदा किया। जब आठ साल की उम्र हुई दादा का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए, अब कौन था सिवाय एक चचा के अबू तालिब के, अब कोई नहीं था, आपकी सरपरस्ती में रहे। जहाँ तक बात आती है अबू तालिब की, मैं कहूँगा बड़े अदब के साथ, ए लोगों इस इख्तिलाफी मसले में कभी भी तीर मारने की कोशिश ना करना। बाज़ लोग अबू तालिब के कुफ्र के मुतालिक इसरार करते हैं कि वो काफिर थे, बाज़ लोग ईमान के मुतालिक, लेकिन जो हकीकत है वो अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने जान से ज़्यादा तरबियत की है, यहाँ तक कि मक्का वालों से उन्होंने कहा था जब रसूल पाक ने ऐलान नबुव्वत किया था, अबू जहल उतबा शैबा सब ने आकर कहा अबू तालिब अगर ये तेरी निगरानी में ना रहे तो हम इसका कुछ से कुछ कर दें, तो मोहम्मद हमारे हवाले कर दे। जानते हो अबू तालिब, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब सिरे से कोई आदमी उनको बिल्कुल काफिर मुशरिक गर्दाने, मैं कहता हूँ कफ्फे लिसान तो करो, जुबान को रोक तो लो, जो मामला होगा कयामत के दिन देखा जाएगा। हुजूर के चचा हैं लेकिन इश्क की बात तो देखें, वो मक्का वालों से क्या कहते हैं, कोई मोहब्बत करने वाला ही ये जुमले कह सकता है। मक्का वालों से उन्होंने कहा ऐ मक्का वालों सुन लो, तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद रख दो दूसरे हाथ में सूरज रख दो तब भी मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये अबू तालिब के अल्फाज थे जो रसूल पाक के लिए उन्होंने फरमाए थे। मैं अदब से कहता हूँ लेकिन फिर साथ में ईमान और कुफ्र का मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, इसलिए कि इस पूरी कौम को ना जन्नत देना है ना दोजख देना है, ना कयामत के दिन तुम्हारे हाथ में फैसला है ना मेरे हाथ में फैसला है। अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला, ना आला मलाइका में से हैं हम ना फरिश्तों में से हैं,
बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले है ये फैसला, हर एक के जन्नत और दोजक का फैसला। बहरहाल 12 साल की उम्र में अबू तालिब ने रसूल पाक को अपना साथी बना लिया। ऐसा मुझे बताओ, अबू तालिब पर जब भी बातें आएं अदब के साथ कहो, अदब के साथ कहो। मैंने अबू तालिब को बहुत पढ़ा है, वो रसूल पाक को छोड़कर एक लम्हा भी नहीं रहते थे, एक लम्हा नहीं रहते। 12 साल की उम्र में जब उन्हें यमन की तिजारत पे जाना था, अबू तालिब ने इन्हें छोड़ा नहीं, रसूल पाक को तिजारत के सफर में साथ ले लिया। बीच रास्ते में एक जगह पड़ा हुआ, वहां एक राहिब था, ईसाई राहिब, और उसने देखा चेहरे पाक को, देखकर अपनी किताबों में पड़ी हुई सारी अलामतें देख लिया, उसने मेहमान बना लिया। अबू तालिब से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो, कौन सा खानदान है? जब उन्होंने बताया तो वो राहिब कहता है, बुहैरा राहिब, ऐ अबू तालिब, मेरी बात सुनते हो तो सुन लो, जो तुम्हारे साथ बच्चा तुम्हारा भतीजा है, ये अल्लाह का सबसे आखिरी रसूल होगा, ये सबसे आखिरी रसूल होगा। तुम जा रहे हो शाम या यमन, वहां यहूदी इसके जानी दुश्मन होंगे, वो बच्चे को मार डालेंगे, कत्ल करेंगे, लिहाजा तुम अपनी तिजारत का सामान यहीं बेच दो और वापस मक्का ले जाओ। अबू तालिब ने सिर्फ रसूल पाक की जान की हिफाजत के लिए पूरा तिजारत का काफिला वहां बेच दिया, वापस मक्का तशरीफ लाए। अबू तालिब ने 25 साल की उम्र तक रसूल पाक की ऐसी तरबियत करते रहे, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की परवरिश में उन्होंने कोई फिरो गुजाश नहीं किया, कुछ नहीं छोड़ा। जब आपकी उम्र 25 साल की हुई, मेरे आका की शादी की उम्र है, ये शादी की उम्र है, रसूल पाक को सामने से पैगाम आया बीबी खदीजतुल कुबरा का, जो मक्का की ताहिरा थी। लोग कहते होंगे मालदार से शादी किया, बल्कि आपको ये मालूम नहीं, पूरे मक्का में हजरत खदीजा का एक लकब मशहूर था, ताहिरा उनको कहा जाता था। हुजूर के पास जब उनका पैगाम निकाह आया, आपने एक्सेप्ट किया। आप सोचें 25 साल की उम्र में 40 साल की खातून से निकाह करने वाला सिर्फ औरतों का दिलदादा नहीं हो सकता, वो भी बेवा औरत, दो दो शोहर उन्हें उनके हो चुके थे, इससे पहले इंतकाल कर चुके थे, तीसरे शोहर मेरे आका हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शादी हो रही है, शादी का जो खुतबा निकाह है कोई और नहीं, अबू तालिब ही पढ़ रहे हैं। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा, खुतबे के अल्फाज भी देखें, कहीं एक शिर्क नहीं, कहीं एक कुफ्र नहीं, बल्कि अल्लाह की हम्द और सना है, रब्बे जुल जलाल की तारीफ व तौसीफ है। उसके बाद रसूल पाक की तारीफ भी उस खुतबे में मौजूद है, वो खुतबा आज भी मौजूद है, किताबों में लिखा हुआ है। अबू तालिब ने जो रसूल पाक के निकाह में खुतबा पढ़ा था, कोई और नहीं पढ़ा, चचा ने खुतबा पढ़ा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की का नाम लेते हुए फिर सारे मजमे में मैं कहा, ये मेरा अजीज जान भतीजा मोहम्मद है, इससे ज्यादा शरीफ पूरे मक्का में तुम ला नहीं सकोगे, इससे ज्यादा हसीन तुम पूरे अरब में ला नहीं सकोगे। उसके बाद कहा, मोहम्मद का जो महर तय पाता है वो अबू तालिब के माल से जाएगा, खदीजतुल कुबरा को जो महर दिया गया रसूल पाक का, वो भी अबू तालिब के माल से दिया गया है, रसूल पाक के उस चचा के माल से। अब ये जिंदगी है बाप, अज़्दवाजी जिंदगी है, मेरे आका सैयदा खदीजा के साथ 25 साल गुजारते हैं। 50 साल की उम्र मुबारक जब मेरे आका की हुई, यानी 40 साल की उम्र पाक जब थी, तब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, ए रसूल आप ऐलान कर दें, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, बुतों की इबादत छोड़ दो, एक खुदा की इबादत की तरफ आओ। ये हुजूर की 40 साल जिंदगी में जो इनकलाब आया, अब मक्का वालों की यहाँ से सितम जरीफियाँ शुरू हुई। मेरे आका ने सबको जमा किया मक्का के एक सरजमीन पर, मैदान में, पूछा मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल, सबों ने कहा तुम आज तक कभी झूठ नहीं बोले और कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। हुजूर ने फरमाया, ऐ मक्का वालों, अगर मैं ये कह दूं इन पहाड़ों के पीछे एक फौज छुपी है जो तुम पर हमला करना चाहती है, क्या मेरी इस बात पर यकीन करोगे? सारे मक्का वालों ने एक जुबान होकर कहा, आज तक कभी आपने झूठ कहा नहीं, अगर आप कहते हैं कि फौज है हम उसको भी मानेंगे, हम उसको भी यकीन के साथ तस्लीम करेंगे। हुजूर ने फरमाया, जब मेरी बातों पर इतना तुम्हें यकीन है तो सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं अल्लाह एक है, खुदा एक है, माबूद एक है, मस्जूद एक है, हर एक के सामने सर झुकाना ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता, और मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, उसकी तरफ से अखलाकी तालीमात ले आया हूं, तुम्हारी रूहों का बदलने आया हूं। जब मेरे आका ने फरमाया, सारे मक्का वाले नाराज हुए सिवाय हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम के, कोई उस मैदान में ईमान लाने वाला नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की इब्तिदा सिर्फ दो लोगों से शुरू हुई, एक हजरत अली से, दूसरे हजरत खदीजा से। कभी नाउमीद मत हो, अपनी दावत असर कितना रखती है ये अल्लाह के ऊपर छोड़ो, बोलना सीखो, आज नहीं से आज ना सही, कल मौला ताला तुम्हारी
इस दी हुई दावत को पाए तकमील तक जरूर पहुंचाएगा। दो लोगों से दावत शुरू हुई, एक अली से एक खदीजा से, लेकिन वो दावत आज कहां को पहुंची है? आज तकरीबन पूरी दुनिया में 2.25 अरब लोग 180 करोड़ की तादाद में मुसलमान जी रहे हैं। वो दो लोगों से शुरू होने वाली दावत 200 करोड़ को पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसा सैले रवां है कि थमने का नाम नहीं लेता। वो दावत रसूलुल्लाह की जो मक्का की उन चोटियों से निकली थी, फारान के उन पहाड़ियों से निकली थी, आज तक जिंदा है और सुबह कयामत तक ये दावत जिंदा ही रहेगी। आज मैं आपको बताऊं मुख्तसर सी बात, ये जो आज फ्रांस, अमेरिका, यूरोप जो इनके अंदर जो खलबली है, बेचैनी है, और वक्तन फवक्तन ये गुस्ताखी करना इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, आतंकवाद से जोड़ना, टेररिज्म से जोड़ना, क्यों हो रहा है ये सब? जानते हैं आप, एक पेट का दर्द है। किस बात का? किस बात का? ये मैं नहीं कहता, अमेरिका का प्रेसिडेंट, जो एक्स प्रेसिडेंट है इससे कबल का, उसने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोविंग वाला कोई रिलीजन है तो वो इस्लाम है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई दीन दुनिया में फैल रहा है तो इस्लाम है। यूरोप के मुतालिक तो तादाद आंकड़े भी मिलते हैं, पर डे वहां 400 लोग इस्लाम में आ रहे हैं। ये हालत देख करके वो घबराए हुए, इसलिए कि डेली के 400 के हिसाब से जब वो गिनती बनाते हैं हमारी है कितनी पॉपुलेशन, अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा एक वक्त आएगा कि हम माइनॉरिटी हो जाएंगे, ये मेजॉरिटी में आएंगे, हम तो गुलाम होंगे, तख्त इनके पास आ जाएगा। ये जो सबसे तेजी से इस्लाम के फैलना यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे इलाकों, खुद फ्रांस की हुकूमत ये अच्छी तरह से जानती है, उनके यहां मुसलमानों की तादाद चंद सालों पहले क्या थी और आज क्या है। चंद सालों, 10 यानी 10 साल या 20 साल की आप वहां के रिकॉर्ड्स निकाल करके देखो, आज 60 लाख मुसलमान हैं। उन्हें मालूम है अब मेयर भी ये बनेंगे, वहां की पार्लियामेंट की सीट पर भी ये खड़े हो रहे हैं। यही हाल यूके में है, यही हाल अमेरिका में। ये जो खौफ है, सिर्फ और सिर्फ यही खौफ इन्हें सता रहा। और एक बात मैं बता दूं, पूरी दुनिया के जितने भी मजहब हैं, पूरी दुनिया के जितने रिलीजियंस, इनमें सबसे ज्यादा अपने मजहब पर अगर कोई प्रैक्टिस करता है सिर्फ मुसलमान है सबसे ज्यादा। अगर से आप हमारे जमात में बेनमाजी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मेरा चैलेंज, मेरा दावा है, यहूदी हो, ईसाई हो, या बुद्ध हो, हिंदू हो, इनके यहां इनके रिलीजियन की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब जैसे हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारी जकात, हमारा हज, ये प्रैक्टिस है, इस्लाम की एक्टिविटीज है। उनके मजाहिब में जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी, उनमें बहुत कम है अमल करने वाले। आज यूरोप में एथिज्म बहुत फैल चुका है। एथिज्म क्या है? कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई अल्लाह नहीं, मुआज़ अल्लाह रब्बिल, ये कसरत से वहां फैला है। और कौन एथिस्ट बन रहा है? ईसाई एथिस्ट बन रहे हैं, ज्यूज एथिस्ट बन रहे हैं, जो पहले किसी और रिलीजन में थे वो एथिस्ट बन रहे हैं, यानी कोई खुदा नहीं, हम खुदा को मानते ही नहीं। आज बहुत ज्यादा वो लोग भी फैल रहे हैं। दो खतरे हैं, और मुसलमान कितने एथिस्ट बन रहे हैं तो कह रहे आटे में नमक के बराबर भी नहीं, 100 में 2 लोग भी एथिस्ट नहीं बन रहे मुसलमान, इसलिए कि ये अपने रिलीजन पर, अपने मजहब पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। दूसरों के यहां हफ्ते में एक बार इबादत है, लेकिन मुसलमान के यहां दिन में 5 मरतबा है, ये अजान सुनता ही रहता है, सजदे करता ही रहता है। इस्लाम ने एक दिन भी इसे छुट्टी नहीं दी। हमारे हफ्तों में कोई संडे नहीं आता नमाज का, कोई ऐसी चीज, हत्ता के बीमार के लिए भी छुट्टी नहीं दी। सबसे ज्यादा अपनी प्रैक्टिस जो करता है, मिसाल के तौर पर आपको अकली तौर पर मैं समझाने के लिए कहूंगा, जो बंदा जिम करता है उसे मालूम है डेली अगर वर्कआउट जारी है तो उसका जिस्म सलामत है, चंद दिन अगर छोड़ देगा तो इधर उधर फैल जाएगा, होता ही यही सबको मालूम। जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता रहता है वो अपनी फील्ड पर जमा रहता है। तो जो मुसलमान नमाजों के साथ हैं, जकात के साथ हैं, रोजे हर साल हैं इनके, जकात हर साल हैं, 1000 रुकावटें आए, साल में 40 लाख का मजमा अरफात में फिर भी जमा होता है,
तो ये जो इस्लाम की प्रैक्टिस है मुसलमानों की, ये खलबली मचा रहे हैं। दूसरे किसी रिलीजन में इस कदर अमल नहीं देखा जाता, और एथिस्ट भी ये नहीं बन रहे, उनके जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, या तो इस्लाम में जा रहे हैं, एथिस्ट हो रहे हैं। अनकरीब उन्हें ये खतरा महसूस होने लगा कि इसी तरह ये छोड़ दिया जाए तो ये जो आज तालाब की शक्ल में यूरोप में है, कुएं की शक्ल में फ्रांस में है, कल ये समंदर की शक्ल बन जाएगा और फिर सबको बहा ले जाएगा। इसलिए चाहते हैं कभी इनके नबी के कार्टून बनाओ, कभी कुरान पर हमला करो, कभी इस्लाम पर, और लोगों को दहशतगर्द दहशतगर्द बना करके इनके खिलाफ गम और गुस्सा आम लोगों में डालो। लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसे हो नहीं रहा है। बाज मुसलमान चेहरे ये पकड़ते हैं, जैसे उसामा बिन लादेन को पकड़ा और पूरी दुनिया में बताने की कोशिश की, दाढ़ी वाला अमामे वाला आतंकवाद होता है, टेररिस्ट होता है। लेकिन हैरत की बात है आपको मैं बताऊं, 9/11 के बाद, 2001 के बाद अमेरिका की हिस्ट्री में देखा गया, इससे 100 साल पहले 100 साल के रिकॉर्ड में उतने मुसलमान नहीं हुए थे जो 10 साल के अंदर हुए। 10 साल के अंदर इतनी तेजी, जब बार बार कहा गया आतंकवाद है, यह आतंकवाद है, तो बेचारे जो कभी इस्लाम को जानते नहीं थे उन्होंने कुरान उठाना शुरू किया, सीरत मुस्तफा पढ़ना शुरू किया। देखते तो हैं सही, क्या कुरान हकीकत में टेररिज्म सिखाता है, क्या मोहम्मद आतंकवाद सिखाते थे। जब वो पढ़ते हैं तो फिर कहते हैं इस्लाम की फितरत में वो कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अजीजा निगरामी वकार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो दावत मुकम्मल होकर रहेगी, अगरचे काफिर और मुशरिकी ना पसंद करें। 40 साल के बाद से लेकर 53 साल तक मेरे आका मक्का मुकर्रमा में रहे, मुसीबतें भी झेली, मशक्कतें भी उठाई, और लोगों के हजार तरीके के ताने भी बर्दाश्त किए। 53 साल के बाद मेरे आका ने हिजरत फरमाई मदीने तैयबा। मदीने आने के बाद सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर हुई, सहाबा को भाई भाई बनाया, और उसके बाद जो मदीने के खिलाफ आवाज उठा था उसके खिलाफ मेरे आका ने तलवार भी उठाई। जंगे बदर हुई, जंगे ओहद हुई, जंगे खंदक हुई, जंगे हुनैन हुई, जंगे तबोक हुई, और जंगे मौता हुई। ये वो जंगे हैं जो दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ मेरे आका ने की। तकरीबन 25 या 26 गजबात हुए, जिसमें 18 में तो खुद मेरे आका तशरीफ लेकर गए, और ये 10 साल के अरसे में ज्यादा से ज्यादा जंगे हुई। जो रसूल मक्का छोड़कर निकले थे रात की तारीकी में, दो लोग अबू बकर सिद्दीक और रसूल महतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दो लोग निकले थे, 6 साल गुजरे थे, 6 साल मदीने में, 7वें साल वही रसूल वही सिद्दीक अकबर मक्का की तरफ वापस आ रहे हैं हज करने, उमरा करने की नीयत से। लेकिन कितने लोग हैं? 10,000 की तादाद में आ रहे हैं। कोई कत्लो किताल नहीं, कोई जंगो जिदाल नहीं, फातह की शान से आए, खाने काबा में दाखिल हुए, बुतों को निकाला, पाक किया, और कहा आज मोहम्मद अल्लाह का रसूल खाने काबा को पाक कर रहा है, और सुबह कयामत तक अब यहां शिर्क नहीं होगा, बुत परस्ती नहीं होगी, काबे को बनाया मुतहर, ये रसूल पाक ने। अब उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 10 सालों के अंदर कितने गजवात किए। वो आखिरी साल था मेरे आका का जब 10 हिजरी थी, हुजूर ने ऐलान किया जो जो हज के लिए मेरे साथ आना चाहे सब आ जाए। ये सुनकर के तकरीबन 1,20,000 सहाबा हुजूर के हज के सफर में साथी बन गए। मेरे आका तशरीफ लाए मक्का मुकर्रमा, यह हुजूर का आखिरी हज था जिसमें खुतबतुल विदा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया, आखिरी खुतबा दिया। वो आखिरी खुतबा पूरे दुनिया वालों के लिए दस्तूर है, एक लॉ है, एक ऐसे कवानीन से जमा किया है। उसी में हुजूर ने औरतों के हुकूक बयान किए, बच्चों के, बूढ़ों के, मजदूरों के, गरीबों के, पड़ोसियों के, हर एक के हुकूक उस एक खुतबे में मेरे आका ने बयान किया। हराम माल से बचने की तलकीन की, सूद से बचने की तलकीन की, और फिर घमंड तकब्बुर करने से बचाया। हुजूर ने फरमाया तुम सब आदम की औलाद हो, एक दूसरे पर फख्र ना करो, काला गोरे पर, गोरा काले पर, अमीर गरीब पर, गरीब अमीर पर, बल्कि मेरे आका ने फरमाया तकवा जिसके पास है वो अल्लाह के नज़दीक मोहतरम है। यह आखिरी खुतबा हुआ, उसी खुतबे के बाद मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि दुनिया चाहे तो दुनिया ले लो, या अपने रब के पास जो चाहे वो ले लो। उस बंदे ने अल्लाह के पास रहने को कबूल कर लिया है। ये बातें थी जो इशारा दिया मेरे आका ने कि अब रसूल पाक ज़्यादा दिन तक उनके साथ ना रहेंगे। मुहर्रम का महीना था जब मेरे आका पलटे मदीने तैयबा।
बीमारी ने जकड़ लिया, सफर का महीना पूरे अलालत में गुजरा। इस तरह की अलालत थी, इस तरह का बुखार था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बाज़ औक़ात सहाबा दोनों कंधे पकड़ करके मस्जिद में लाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैर भी ज़मीन पर नहीं टिकते थे। इस हालत में हुजूर मुसल्ले पर आए और अपने सहाबा को देखकर मुस्कुराते भी रहे, नमाजें भी पढ़ाते रहे। फिर यही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, ये 11वीं हिजरी थी, जब 12 रबीउल अव्वल थी, बाज़ रिवायात में 13 रबीउल अव्वल है, यानी कल आने वाला जो दिन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको जो वसीयतें करनी थी वो वसीयतें फरमाई। माँ आयशा सिद्दीका के हुजरे में आराम करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुखार शिद्दत का था, बार बार मिसवाक तलब करते थे या पानी के छींटे चेहरे पर मारते थे और फिर कहते थे ये सकरात, ये नज़ा का वक्त कितना शदीद होता है, कितना शदीद होता है। माँ आयशा कहती हैं, अचानक मैंने देखा दरवाजे पर किसी की दस्तक हो रही है, मैंने कहा अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, आयशा वो कोई और नहीं मलकुल मौत इज़राइल है, वो किसी के आने के लिए इजाज़त नहीं मांगता, आज मुझसे इजाज़त ले रहा है, इसके बाद फिर किसी से नहीं लेगा। मलकुल मौत हुजरे पाक में दाखिल हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीका के जानों पर सर रख कर आराम कर रहे हैं। मलकुल मौत ने इजाज़त तलब की, आखा हुक्म हो तो आपकी रूह पाक को मैं निकालूँ, अल्लाह के हुजूर ले जाऊँ, आपके रब आला के जिलों में ले जाऊँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले जानते हो क्या पूछा था, मेरा दिल दर्द करता है, मलकुल मौत से सिर्फ इतना पूछा, ये वो वक्त होता है नज़ा का वक्त जिस वक्त बाप अपने बेटे को भूल जाता है, भाई बहनों को भूल जाता है, बल्कि अक्सर तो लोगों को अपना नाम तक याद नहीं होता। सकरात के वक्त जाओ लोगों के बिस्तरों के पास, हम कलमा पढ़ाते रहते हैं, कलमा आता नहीं, लोग बोल नहीं पाते, ये वो हालत होती है नज़ा की। लेकिन उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलकुल मौत से यूं कहते हैं, ऐ इज़राइल ये जो नज़ा का दर्द है, क्या ये दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा, क्या ये सकरात का दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा। मलकुल मौत ने कहा, मौत से पहले हर एक को सकरात से गुजारा जाए। मेरे आका रो पड़े, वाह उम्मती ही, वाह उम्मती ही, है अल्लाह मेरी उम्मत, है अल्लाह मेरी उम्मत, क्या वो नजा और सकरात को बर्दाश्त कर पाएगी। रब ताला ने हुक्म दिया, ऐ हबीब आप गम ना करें, आप अपने उम्मतियों को ये बशारत दें कि जो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता रहे हैं वो दुनिया में रहेगा, उसकी रूह अल्लाह फरमाता है मैं खुद कब्ज करूंगा, उसे एहसास ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से बात कर ही रहे थे, आखिरी जुमले मेरे आका के, अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज, और तुम्हारे हाथों के नीचे जो मजदूर है उनका ख्याल करो। इतना कहा और हुजूर पाक ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, मेरे आका के लबहाए मुबारक बंद हो चुके थे। हजरत आयशा कहती है, मैं बात करती रही, मैं बात करती रही, मैं ये सोच रही थी कि हुजूर अब बोलेंगे, तब बोलेंगे, काफ़ी इंतज़ार के बाद भी हुजूर बोल नहीं रहे थे, अब वो कभी नहीं बोलने वाले थे ज़ाहिरी अल्फाज। अचानक अबू बकर सिद्दीक हुजरे में आए, हजरत आयशा बातें कर रही थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, पेशानी मुबारका को बोसा दिया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हजरत आयशा ने पूछा, क्या हुआ बजा? कहा, बेटी तुझे मालूम नहीं, तुम्हारे सरताज, तुम्हारे रफीक हयात, हम सब के आका और मौला अपने रब आला के हुजूर जा चुके हैं। हजरत आयशा कहती हैं, पहली मर्तबा मैंने किसी को अपने सामने रूह कब्ज होते देखा, मैं तो ये महसूस कर रही थी कि हुजूर बुखार की वजह से चुप हैं, फिर बोलेंगे। सैयदा कायनात फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई, वो ख़ानदान में तन्हा बाकी थी, हुजूर की सारी औलाद उनके सामने फौत हो चुकी थी, हजरत फातिमा अकेली रह गई थी। हजरत फातिमा ने हुजूर पाक के जिसमें नाज को देखा तो कहा, ऐ बारे इलाहा, जिंदगी में आज से पहले या आज के बाद इससे ज्यादा कठिन दिन मुझ पर कभी नहीं आया, फातिमा पर इससे ज्यादा बोझल दिन कभी नहीं आया। जब फातिमा ने अपने अजीज असजान बाप को अपने सामने मौत की आगोश में देख रही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक बात दीगरे ज़ियारत की, सहाबा की क्या कैफियत रही, 14 सदियों के बाद आज हम रोते हैं मेरे आका की वफात को सुनकर। वो आफ्ताब आलम हमारे दरमियान से रूपोश हुआ, वो महताब रिसालत
गुरूब अगरचे हुआ, लेकिन आज भी जब वाकया सुनते हैं तो रोते हैं। साहबा की क्या कैफियत रही होगी? यही कैफियत थी, हजरत उस्मान तो किसी से बात करना ही छोड़ चुके थे, उन्हें कोई उठाता तो उठते नहीं, बिठाता तो बैठते नहीं। हजरत उमर का हाल यह था कि वो नंगी तलवार निकाल कर कहते, खबरदार अगर कोई कह दिया कि मेरा रसूल इंतकाल कर गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे हबीब का इंतकाल नहीं हुआ, वो अपने रब से मिलने के लिए गए, वापस आएंगे। हजरत उमर मदीने में इस तरह घूम रहे थे। अजीजा ने गिरा में वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीर के दिन इंतकाल फरमाए और बुध के दिन तक आपका जिसमें मुकद्दस रखा गया। जमातें आती रहीं, पढ़ती रहीं, मलाइका ने जनाजा पढ़ा। बुध के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबा ने उठाया और उसी हुजरे में जहाँ माँ आयशा सिद्दीका का घर था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोदी गई, लहद बनाई गई जो एल शेप में होती है, हुजूर को पसंद थी, लहद मुबारक में रखा गया। उतरने वालों में हज़रत अली भी थे, हज़रत अब्बास भी थे। फरमाते हैं जब कब्र मुबारक में आखिरी मरतबा रखा गया, सहाबा का मजमा था, भीड़ थी, एक आखिरी नज़र उस आफ्ताब रिसालत पर डाल लें, लेकिन अचानक लोगों ने देखा कब्र की तख्तियाँ बंद करने से पहले रसूल पाक के होंठ हिल रहे थे। हज़रत अब्बास कहते हैं मैंने कान लगाया, उस वक्त रसूल पाक कह रहे थे उम्मती उम्मती रब्बे गफिर ली उम्मती फइन्नहुम ला यालमून, ए मौला मेरी उम्मत को माफ़ कर दे वो मुझे नहीं पहचानती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे वो मुझे नहीं पहचानती। ये आखिरी जुमले कब्र अनवर में रखने के बाद रसूल पाक के हैं, ए उम्मतियों क्या हमने रसूल पाक का हक अदा किया है? क्या हमने उनको साल में एक मरतबा याद करके ये सोचा कि उनको के रात के खड़ी हुई इबादतों का हमने सिला दे दिया? कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। कब्र मुबारक बंद कर दी गई, हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन लहद का वो टुकड़ा अर्श आजम से भी अफजल बना। नफस गुम करदा मी आये जुनेदो बायसी दी जा, वो कब्र अथर आज भी हम मुसलमानों के रूह की ठंडक है। वो हरा गुम्बद जो रसूल पाक के मस्कन के ऊपर अपनी जगमगाहट बिखेर रहा है, वो करोड़ों आशिकों की आंखों का तारा बना हुआ है, हमारे दिल का सुकून है। ऐ मेरे अजीजों आज हम जिएंगे तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ। मेरे आका ने आखिरी वक्त ये भी फरमाया था जो जिससे मोहब्बत करेगा दुनिया में क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर तुम आज अपने नबी पर जान और माल अपने माँ बाप फिदा करने की बात करते हो, खौफ ना करो, कल हम उठाए जाएंगे तो हमारे आका के साथ उठाए जाएंगे, हमारे रसूल के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन जो लोग मगरिब के दिलदादा हैं और दूसरों की कैरेक्टर को अपना करके अपने आप को तबाह बर्बाद किए हैं, उनको मुबारक हो, वो उन्हीं लोगों के साथ उठाए जाएंगे जो फिरौन हमान शद्दाद कारून अबू जहल अबू लहब इन गुस्ताखों के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे रसूल की जिंदगी पाक को जब तक रखा 63 साल, वो रहमत थे और आपकी वफात भी उम्मत के लिए रहमत ही है, रहमत ही है। और अल्लाह ताला उनकी बरकत से उम्मत को अजाब देने से महफूज रखा है। मेरे अजीजों में पैदाइश से लेकर मेरे आका की वफात तक की बातें सिर्फ मुख्तसर से एक वक्त में घेरा, लेकिन हुजूर पाक की हकीकत तो यह है, ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, आपकी सना तो मुमकिन ही नहीं है या रसूल अल्लाह। हासिल कलाम यह है, खुदा के बाद अगर कोई मर्तबा है आका वो आपका मर्तबा है या रसूल अल्लाह। आपके दरबार में मैं ये आखिरी अल्फाज ये कहता हूं आज की मीलाद के दिन, सरवर कहूं कि मालिक ओ मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह इस फख्र के साथ मैं जीता हूं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू खाक हो जाएं दुश्मन चल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।